छत्तीसगढ़ जिला बालोद के अंतर्गत ग्राम भरदा कला गाँव में मैं रहती हूँ और जिस खेत में खड़ी हूँ वो खेत मेरा है। आप देख रहे होंगे मेरी खेत की क्या स्थिति है। इसी तरह पूरे गुंडरदही विकास खंड के सभी किसानों के साथ यही हालात है और सरकार के द्वारा न ही मुआवजा की प्रावधान है और न ही कर्जा माफ किया जा रहा है। इस परिस्थिति में सभी किसान सभी मजदूर बहुत परेशान हैं। मैं खुद भी किसान हूं, मैं खुद परेशान हूं कि जो खेती में मैं बीज लगाई हूं, खाद लगाई हूं, जो मजदूरी दी हूं, उसका मजदूरी देने योग्य भी मेरा धान नहीं है। हमार गांव में खेत में धान पान मोहन एक ठन काड़ी निरुए हन। खेती जो हुआ है इस साल वो अच्छा नहीं फसल, तो सरकार से यही दरख्वास्त है कि वो कर्जा माफ़ करे। बीज के लिए होगा कुछ नहीं? बीज के लिए तो ऐसे नहीं हो सकती हो, तब खाने लायक भी नहीं तो बीज कहाँ से बनेगी। छुट्टी से भी कर्जा लिए तो उसका कर्जा भी खुरता नहीं है, माफ़ करना सरकार से ही यही। अगर कर्जा बहुत पैसे लिए ना, खातुआ तो भी उधारी दिए हम लोग, तो कहाँ से हम पूर्ति कर। फसल पूरी बर्बाद है ना, तो बीमा का योजना किया था वो भी नहीं मिला है ना, तो ही कुछ भी मुआवजा नहीं दे रहे हैं सरकार, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है ना, तो ही सूखा घोषित कर पाया है ना तो कुछ कर पाया है। इस धान को देखो, इस धान में कुछ नहीं है, जीने का साधन कुछ नहीं है, ना तो ही बीज होगा ना खाने के लायक भी नहीं, धान पूरा बोदरा है और ना ही कुछ हुआ है। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा कहा जाता है, लेकिन वर्षा के कमी होने के कारण छत्तीसगढ़ के कई ऐसे इलाका है जहां बीज तक के नहीं हुआ है। मैं वीडियो देखने वाले लोगों से अपील करती हूं कि जिला कलेक्टर बालोद राजेश राणा का नंबर है 7749223999, इस नंबर पर कॉल करें और दबाव बनाएं। मैं भान साहू छत्तीसगढ़ इंडिया अनहर्ट के लिए।